प्रोसेसर इस दे होंगी, और सारंग ऐसा हो सकता है कि उनको वो एक मिनी हार्ट अटैक काइंड ऑफ सिचुएशन को फेस करना पड़े, और शायद यही वो कारण भी था कि नोवा ने वहां पे शॉट्स नहीं लिए जब सारंग आगे जा रहे थे। तो यहाँ पे तैयार सारंग वो ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने फाइनली अपने फुटस्टेप दे दिए। नोवा उनको शायद थोड़ा सा और इंतजार करने की आवश्यकता पड़ सकती थी, बट चलिए अब तो सारंग को पता है कि यहाँ पे मौजूद, बट नोवा उसके बावजूद वो दरवाजा खुला और पैन के साथ BGIS 2024 के चैंपियंस का स्वागत करते हुए टीम ब्लाइंड के नोवा। माय गॉड, फील्डिंग बिछा के आक्रमण किया और टीम एक्सपर्ट से सवाल किया, टीम एक्सपर्ट डू यू बिलीव इन ब्लाइंड, एंड अभी तक तो जवाब यही आया यस, बिकॉज़ अब तो कोई और चारा भी नहीं है, तीन ही प्लेयर्स वहां पे बसते हुए आपको देखने को मिलते हैं। टीम एक्सपर्ट अलग थलग फंसते हुए, बट सौरभ जिस प्रकार से वो पैन किया कि टीम एक्सपर्ट अब वो पीछे हटने वाले तो है नहीं, और वो भी चाहेंगे कि इस फाइट को खत्म किया जाए और जीता जाए। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, और हमने जिस चीज की बात की भी कि ऐसा लगा कि इस ड्रॉप क्लैश के लिए टीम ब्लाइंड ज्यादा रेडी नजर आ रही है एज कम्पेयर टू टीम एक्सपर्ट। वो फाइट वहां पर चलती रहेगी, बट हमने चर्चाएं की भी थी जुबिलेंट डिवाइन की, और इनका जो विकेंडी का मैप था वहां पे मैं थोड़ा नाखुश था इस टीम से। भले वो टॉप थ्री के अंदर आते हुए नजर आए, बेहतर प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, लेकिन फिनिशेस मात्र दो निकाले थे, और जब शुरुआत से लेकर अंत तक सर्कल आपके फेवर में है और जब आपको अंकों की सख्त आवश्यकता है, कुछ फाइट ऐसी होती है जो आपको थोड़ी सी फोर्स करनी पड़ती है, इसके एडवांटेज नहीं मिलता, बट नोवा वो नेड आया चुकर को करा डाउन। टीम ब्लाइंड दे आर ऑन फायर राइट नाउ, और सबको प्रूव करते हुए कि प्लानिंग, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अगर ये सब आप करते हैं तो फायदा मिलता है। बट सौरभ देखिए, आपने जाल बिछाया, मतलब आप भी इंडिविजुअली प्लेयर अलग अलग थलग हैं, और आप अगर ओपन में रोड क्रॉस करेंगे तो नुकसान कुछ इस तरह से होगा आपका। जी हाँ, बिल्कुल भी हल्के में आप आंक नहीं सकते कि एक और पैन किया जाएगा। जी हाँ, एक और पैन किया जा रहा है। टीम एक्सपर्ट में नया एडिशन हुआ था जोकर का, और नोवा ही वो है जिन्होंने वो पैन किया है। देखिए ऑलरेडी अब एक ना नई राइवलरी आप कह सकते हैं, वो इन गेम राइवलरी, आउट ऑफ द गेम तो ऑलरेडी ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो फ्रेंडशिप्स रहती है, बट इन गेम राइवलरीज वो यहाँ पर पनपती हुई नजर आ रही है। और अभी के लिए देखना है कि शॉट प्रे गॉड वो अपने एक्सपीरियंस का क्या कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो जोन है भी लग रहा है कि ये फाइट किसी भी टीम के फेवर में जा सकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोई भी कभी भी क्लच कर सकता है, हम सब जानते हैं, बट स्प्रे गॉड एक अच्छा नेड उनकी तरफ से देखने को मिला, डैमेज जरूर वहां पे उन्होंने दिया, बट अब ब्लाइंड के सारे प्लेयर्स एक साथ स्प्रे गॉड के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, बट फाइनली नोवा वो जोन का शिकार हुए, डाउन हुए, क्योंकि उस नेड से बहुत ज्यादा डैमेज उनको मिला था। स्प्रे गॉड बच के पीछे जाना पड़ेगा अपने साथी के साथ मिलकर, एक 2v4 की सिचुएशन, 2v3 माफ कीजिएगा, यहाँ पे बनाना चाहते हैं। नीड हाथ में स्प्रे गॉड के खिड़की की तरफ दागा गया, क्या डैमेज देगा? जी नहीं, अभी तक तो कोई डैमेज मिला नहीं, बट ब्लाइंड वापस नोवा रिवाइव हो गए, और अब 2v3 की सिचुएशन आपकी आंखों के सामने। जी और काफी करीब ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे के देखने को मिल रहे हैं, जोन का अगला शिफ्ट, और दोनों ही टीम्स के काफी करीब ये सर्कल आता हुआ नजर आया, तो ये फाइट थोड़ी और देर तक चल सकती है। बट अच्छी चीज ये कि अब दोनों ही जो टीम्स है वो रीयूनाइट हो चुकी है, काफी ज्यादा डैमेज दिया वहां पे नोवा के ऊपर, और अब देखना ये कि शैडो वो क्या कुछ बेहतर करके यहाँ से जा सकते हैं। ये फाइट की ना एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, एक वो टीम जो आईक्यू BMPS 2024 में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत ले चुकी है, कंसिस्टेंसी के साथ खेल रही है, और सामने है वेटरन्स शैडो, उनकी पोजीशन यहाँ पर देखने की रिवील आउट होगी कि नहीं, लेकिन नोवा वही रहेंगे जो तीसरा नॉक निकालेंगे, क्या 1v4 वो करके जा सकते हैं टीम एक्सपर्ट को, वो देखने वाली बात। शैडो की पोजीशन रिवील आउट है, एक नॉक निकाला नोवा, उनको इंस्टेंटली फिनिश करने की कोशिश, बट पीछे से वो कवर फायर भी आ रहा है, दो मास्टर बुलेट जो उनके S12 के में अभी के लिए सर्वाइव कर रही है, और देखना है कि क्या वो कनेक्शन बना सकते हैं। एक और प्लेयर उनके सामने मौजूद, वो अंदर आएंगे और शैडो को डाउन करेंगे, इसी के साथ टीम एक्सपर्ट उनका समापन, नोवा जो डाउन है उनको रिवाइवल मिल जाएगा, और आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया टैक्टिक्स वाइज बेस फाइट है वो देखने को मिलती है, जहां पर टीम ब्लाइंड रहेगी विजयी। एक चुनौती दी गई है ब्लाइंड की तरफ से टीम एक्सपर्ट को, कि ठीक है भाई आप है चैंपियन हम जानते हैं, बट आपको भी हराया जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन आंकी आप है, मुझे भी पता है बदला तो लिया जाएगा। जी हाँ, और लेना भी चाहिए, और वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करता है कॉम्पिटिशन को, और देखिए ये फाइट का रिजल्ट क्या लेगेसी वो कैरी करते हैं, और खासकर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अलग ही लेवल पे टीम एक्सपर्ट का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है। और हम कैसे भूल सकते हैं हैदराबाद में जब हमारा BGIS 2024 हुआ था, पूरी ऑडियंस जब टीम एक्सपर्ट का नाम वो चैंट कर रहे थे, और उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा के भी गए थे। बट जी हाँ, जैसे कि आपने बोला, वो इन गेम राइवल भी काफी ज्यादा बेहतरीन, और अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि रीशफल के बाद एक बार फिर से टीम एक्सपर्ट और टीम ब्लाइंड एक ही ग्रुप में रहेंगे, और अगर जवाब हाँ है तो मजा थोड़ा और ज्यादा। देखिए अगर